सो रेलिवेंस ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी टू पाकिस्तानी पोलिटिकल सिस्टम वाई दिस टॉपिक वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन पोलिटिकल सोशोलॉजी एंड द पाकिस्तानी पोलिटिकल सिस्टम बेसिकली पोलिटिकल सोशोलोजी क्या है पोलिटिकल सोशोलॉजी आपके मेरे माशरे और इसके रियासत से ताल्लुक़ की कहानी है कभी माशरा डोमिनेट कर जाता है माशरे के हक़ डोमिनेट कर जाते हैं और कभी रियासत जो है वो डोमिनेट कर जाती है रियासत की डोमिनेशन अपनी जगह वो एक मुसलम हकीकत है लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मुशरे के अंदर ऐसे फैक्टर्स जो हैं ऐसे हकाइक़ होते हैं जो समाइम्स रियासत को पॉलिसीज़ बनाने के लिए और कई दफ़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर देते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट That the study of social context of any political system is basic approach of political sociology. Because we when we talk about and when we want to talk about Pakistan's political system, then actually we have to keep in mind that political sociology basically it provides the social context to understand any type of political system so when we want to understand pakistan's political system then definitely we have to try to link and we have to understand the social context of pakistan's political system because pakistan is a nation state having deep rooted social context of its political system pakistan's social fabric a society a social fabric of our society it dates back to the old times to aryans greek mongols arabs and then turk muslims and then the british dominance so the whole area of subcontinent it actually represents the mixed social context because the social features of this area of subcontinent actually gives us the picture of the combinations of various cultures existing not only in the history but actually as well as in the present world because every social system is based on collective ideas norms ideologies and identities known as culture When people live in a society they इन some practices they ऑप्ट्रैक्टिस some practices sometimes on the basis of ideas लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जन्म लेते हैं उनकी बेस पर वो उन आइडियाज़ को कबूल करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो प्रैक्टिस वक्त के साथ साथ नॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं फिर बाज़ात वही प्रैक्टिस जो हैं वो नज़रियात को जन्म देते हैं और वो नज़रियात की बेस पर बाज़ात कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो माशरों के अंदर परवान चढ़ती हैं और ये आइडेंटिटीज़ जो हैं उनके प्रैक्टिस से कल्चर जो हैं वो डेवलप होते हैं कल्चर एक दिन में नहीं बनता इसीलिए ये कहा जाता है कि कल्चर पहचान होती है किसी भी जगह पर रहने वालों के कि वो सदियों से उन्होंने जिन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया वो वक्त के साथ साथ रवायात बनते चली गईं और फिर बाकायदा तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन गई दीज कल्चर्स देन प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट फॉर एनी पॉलिटिकल सिस्टम अब हर कोई अपने कल्चर के साथ उसका ख़ास ताल्लुक होता है और उस ताल्लुक़ की खातिर लोग समाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं वो सेंस जब वो सेंसिटिव होते हैं तो फिर वो अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं और अपने पॉलिटिकल कल्चर के लिए लोग जो हैं वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं देन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर इज़ डिफ़ाइंड एज द ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स देयर पोलिटिकल सिस्टम बेसिकली पोलिटिकल कल्चर वी डिवाइड पोलिटिकल कल्चर इन थ्री कैटेगरीज Parochial, Subject and Participant Political Culture. The important point of Pakistan's political culture is which affect the politics of Pakistan that is the caste system and the biradari system. We can say that in some areas the caste system is dominating factor and the other name of caste system we, we call the biradari systems, एंड समरियाज़ द ट्राइबल सिस्टम इज़ ऑल्सो हैविंग अम्पोर्टेंट फीचर लाइक इन बलोचिस्तान लाइक इन के पी वो अपने ट्राइबल कल्चर की बुनियाद को ही अपनी पोलिटिकल एफिलियशंस की बुनियाद भी बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो सफ़र जो सब कॉन्टीनेंट के रहने वालों ने सदियों में जारी रखा मुख्तलि यहाँ पर फोर्स आई उन्होंने अपना रोल प्ले किया वो यहाँ से कुछ चले गए लेकिन अपनी रवायात छोड़ गए उन रवायात की प्रैक्टिस कुछ हिस्सों में आज भी चलती हैं जिससे यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डोमिनेटिंग फ़ीचर्स को इख्तियार कर लेता है जिसके अंदर कुछ जगहों पर बरदरी सिस्टम मजबूत हो गया कुछ जगहों पर कास्ट सिस्टम मजबूत हो गया कुछ जगहों पर ट्राइबल कल्चर मज़बूत हो गया इसी तरीके से मुख्तफ सूबे जो हैं उनमें से हर एक के अंदर अपने अपने हिस्से की पहचान अपने अपने कल्चर की पहचान को शामिल करके वो पॉलिटिकल सिस्टम में रिफ़्लेक्ट होती है अच्छा लेकिन एक बात के मॉडर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज का इक्कीसवीं सदी के अंदर अगर हम बात करें कि ये बिरादरी पॉलिटिक्स ये ट्राइबल कल्चर इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है हाँ हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की डिमांड ये है कि अगर आज का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम अपने अंदर मॉडर्न चेंजेस ले आए जैसे अपने लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत कर ले अपनी रिप्रेजेंटेशन के क्राइटेरिया को मजबूत कर ले तो जाहिर है सदियों की रवायात नए नामों के साथ जो है वो जारी भी रह सकती हैं और पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की शक्ल जो है वो भी इख्तियार कर सकता है अगर इसके माशरे और रियासत के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ वजूद में आ जाए जहाँ ये सब रवायात पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर की खसूसियात बनकर उभर